नमस्कार दोस्तों, अल्कोहलिज्म एक बहुत ही बड़ी समस्या उभरती हुई दिख रही है अपने भारत में। बहुत सारे लोग शराब की चपेट में आकर के अपने घर गृहस्थी को खराब कर बैठते हैं। घर में कलह की विषय वस्तु बन जाती है ज्यादा शराब पीना। तो दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो अगर शराब पीने की प्रवृत्ति को छुड़ा दे तो आपके घर में उस मेडिसिन को यूज करना कैसा रहेगा। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो आपके शराब छुड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं आज के कुछ मेडिसिन की तरफ, होम्योपैथी की, जो आपके शराब छुड़ाने की प्रवृत्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी कड़ी में सबसे पहली मेडिसिन है एसिडम फ्लोरिकम। एसिडम फ्लोरिकम को आप मदर टिंक्चर फॉर्म में 4 से 5 बूंद, दिन में 3 से 4 बार, आधे कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। ये आपके शराब पीने की जो इच्छा है उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, वो होते हैं आपके कर्कश 30। कर्कश 30 भी आपके शराब पीने की लालसा को बहुत हद तक कम कर सकती हैं। तो इस मेडिसिन को भी आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों स्टरकोलिया। स्टरकोलिया मेडिसिन भी शराब पीने की जो लालसा है उसको तीव्र गति से कम करती है। इस मेडिसिन को आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक आपके शराब पीने की जो इच्छा है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो। स्टरकोलिया मेडिसिन को आप मदर टिंचर पोटेंसी में ले सकते हैं। 5 से 7 बूंद या 10 बूंद आप दिन में 2 से 3 बार इसको ले सकते हैं, आधे कप गुनगुने पानी में। अब दोस्तों, कुछ कंडीशन हो जाती हैं आपके एल्कोहलिज्म में जिसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ सिर्फ दारू ही पीते हैं, यानी शराब ही पीते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट होते हैं हाई लेवल के अपने एल्कोहल के रिलेटेड। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जिसको सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही चीज़ है उनको शराब पीना, ऐसे लोगों के लिए आप सल्फर 200 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। यह ऐसे पेशेंट के लिए जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ शराब पीने की लालसा रखते हैं या इच्छा रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर मेडिसिन है। सल्फर 200 रोज सुबह एक बार आप दीजिए, 2 से 3 बूंद सीधे अपने टंग पे डाल दीजिए। इससे आपके जो पूरे दिन की शराब पीने की जो समस्या है या फिर इच्छा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, एक कंडीशन हमको देखने को मिलती है कि आपको पैटर्नल जो है वो आपको, यानी आपके वंशानुगत आप में शराब पीने की आदत होती है, यानी आपके बाप के बाप वो भी शराब पीते थे और उस वजह से आप भी पीते हैं, आपको विरासत में आपको शराब पीने की आदत मिली है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में आप सिफिलिनम 1 एम पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी जरूरत के अनुसार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ मेडिसिन के बारे में जो जानकारी दी है एल्कोहलिज्म से रिलेटेड, आपके शराब छुड़ाने की प्रवृत्ति से रिलेटेड, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। हम मिलेंगे दोस्तों नए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को सुविधा चाहते हैं। नमस्कार।